हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। यह बीएससी पार्ट प्रथम के पेपर डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर, इंटीग्रल कैलकुलस की बुक के अंदर। यह आपको सीधा ही समझ में आने लग जाएंगे, इसके अंदर कैसे किया जाता है एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है, ये इम्पोर्टेंट है, इस पर 10-15 क्वेश्चंस हैं, वो आपको प्रिपेयर करने चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे पास में ये है और वो कहता है कि सबसे पहले इसका मान निकालो और फिर इसके फलतः निगमन कीजिए, हैंस डिड्यूस दैट। सबसे पहले आपको ये लेना है, ठीक है? आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें वो अगर ये एक्स अड़चन कर रहा है, ठीक है ना, तो ये अड़चन नहीं तो सीधा फॉर्मूला लग जाए, लिमिट लग जाए, ठीक है। तो इस एक्स को हटाने के लिए इसने दोनों तरफ एम का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया दोनों तरफ। सबसे पहले इसको आई मान लिया इंटीग्रेशन को, फिर डी आई अपन डी एम, इधर भी डी डी बाई डी एम कर दिया। तो एम के सापेक्ष इसका आवकलन करना है, तो ये सिर्फ इसी का ही होगा, एम के सापेक्ष करोगे तो ये आ जाएगा कोस एम एक्स इंटू एक्स आएगा। ये ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटू एक्स आते ही वो एक्स एक्स का टी आई आ गया। अब ये इससे फॉर्मूला लग गया, फॉर्मूला से आप लिमिट लगा दो 0 to infinity, तो ये आ जाएगा। तो कुल मिला के डी आई अपॉन डी एम का जो मान है वो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बन गया। अब आपको क्या कर दिया, एम के सापेक्ष समाकलन कर दें। तो समाकलन करने पे आपके पास में ये आ जाएगा टेन इनवर्स एम बाई ए। तो इस तरीके से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरीके से देखो, ये और एग्जांपल है हमारे पास में, दूसरा देखिए ये एग्जांपल। इवेलुएट, मान ज्ञात कीजिए 0 to infinity log 1 + a² x² / 1 + b² x² इंटू डी एक्स। सबसे पहले इसने क्या किया कि इसका आई माना और आई ए के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दिया। ए का इसका तो होगा नहीं, इसका होगा लोग में जो भी टर्म होगी वो 1 / a² x² और ये आ जाएगा ए के सापेक्ष कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा 1 का 0 और ऊपर आ जाएगा 2a x². अब इसने क्या किया कि पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया, आंशिक भिन्न, ये आपका इम्पोर्टेंट स्टेप है, ठीक ना। तो ये इसको आपको आंशिक भिन्न ये कैसे आई कि इस स्टेप से ये कैसे आया ये प्रिपेयर करना है। फिर देखिए इंटीग्रेशन इसी का होगा, ये टेन इनवर्स 1 / a टेन इनवर्स एक्स ए बाई एक्स आ गया, ये आ जाएगा ये 1 / b² - a² कॉमन आ गया ये रहा, और ये आ जाएगा 1 / b टेन इनवर्स बी एक्स, ये आ गया 0 to infinity। तो अब हमने को क्या करना है, इन पहले तो x की लिमिट इन्फिनिटी रखनी है और फिर x की वैल्यू 0 रखनी है। तो x की इन्फिनिटी रखोगे तो ये पाई बाई 2 बन जाएगा, ये भी पाई बाई 2 वो कॉमन लेके हमारे पास में गया। तो अब अपने पास में क्या आ गया, ये आ गया। अब ये कह रहा है प्रारंभिक शर्तानुसार जब a बराबर 0 है तो i बराबर 0 है, ये चेक कर लो है क्या। तो जब इसमें a बराबर 0 करो तो ये log 1 बन गया, ऊपर log 1 0 होता है तो i 0 आ गया, सही बात है। तो ये हमारे पास में ये आ गया। अब इसके बाद में ये आ जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ रख दी, जब a का मान 0 रखा तो i का मान 0 रखा तो c का मान आ गया हमारे पास ये, तो c का मान यहाँ रख दो तो वो हमारे पास में टोटल आंसर आ गया। सी का मान यहाँ रखने के बाद में आपको पाई अपॉन बी कॉमन ले लिया, लोग ए प्लस बी अपॉन बी, ये सारा ये आ जाएगा, लोग ए माइनस लोग बी अपॉन लोग ए अपॉन बी होता है। अब हमारे पास में एक ये सवाल आता है, ठीक है ना, इवेलुएट मान ज्ञात कीजिए 0 to π/2 लोग 1 + cos α cos x / cos x (dx). सबसे पहले दिए समाकलन को आई मानकर अल्फा के सापेक्ष
आकलन करने पर। तो ये आ जाएगा, सबसे पहले हमने आई माना और फिर अल्फा के सापेक्ष हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। डी आई अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू माइनस 0 to π/2 साइन अल्फा अपॉन 1 + कोस अल्फा कोस एक्स इन टू डी एक्स। ये अब हमने क्या किया, कोस अल्फा है साइन अल्फा है, तो इसमें इनको 10 में चेंज कर दिया, ये आ गया। तो कुल मिला के आपने ये लगा के इसके बाद में ये आपने साइन, इसमें साइन स्क्वायर अल्फा बटा दो कॉमन ले लिया इसमें से, और इसको आपने 2 sin α/2 cos अल्फा बटा दो लिख दिया। तो कुल मिला के ये 10 में फॉर्मूला बन गया। 10 में फॉर्मूला बनने के बाद में लिमिट लगा देना। लिमिट लगाने के बाद में वही वैसे ही इनिशियल कंडीशन लगा के आपने क्या किया कि शुरुआत में देखो जब अल्फा का मान 5/2 है तो इसमें अल्फा का मान 5/2 का कोस 5/2 क्या होता है, 0 होता है, पूरा ऊपर लो 1 0 होता है, पाई का मान क्या आ गया 0, तो इसे यहाँ रख दो। जब अल्फा का मान 5/2 रखा तो आई का मान 0 रखा तो सी का मान आ गया ये रहा, और सी का मान आपने कहाँ रख दिया, सी का मान आपने यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। तो ये हमारे पास में टोटल रखने से हमारे पास में आई का मान आ गया, जो आई क्या था ये इंटीग्रेशन था, आई क्या था आपके पास में ये इंटीग्रेशन था। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वापस से करते हैं इसको। सबसे पहले आपने क्या किया, इसको आई मान लिया, आई के मान के बाद में अल्फा के सापेक्ष हमने क्या किया, इसका अवकलन कर दिया। अल्फा के सापेक्ष अवकलन कैसे करोगे, आपने देखो लॉग का योग है अल्फा, क्योंकि अल्फा इसी के पास है, तो ये 1 upon 1 + कोस अल्फा इंटू कोस एक्स इंटू अल्फा के सापेक्ष होगा तो माइनस साइन अल्फा कोस एक्स ऊपर आएगा, तो ये माइनस साइन अल्फा कोस एक्स से ये कोस एक्स कट गया, ये ध्यान दो। तो ये माइनस साइन अल्फा तो इन्होंने ले लिया बाहर, 0 to π/2 लिमिट। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ये कैसे आया, क्या इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगाए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगा के इसने फिर इसको टेन इनवर्स के फॉर्मूले में लेके आया और ये आ गया। तो इस तरीके से इन्होंने और इनिशियल कंडीशन से आपने, ये आपका एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसको आपको वेरीफाई करना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोस अल्फा हाफ एंगल में चेंज फॉर्मूले देख लेना। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये इनके क्वेश्चंस आते हैं, अब आप इनको बिफोर इयर्स के जो पेपर्स हैं उनसे क्वेश्चंस आप लिखो, उनको सॉल्व करो और एग्जांपल्स करो। इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है इनको भी आप दोबारा से कर सकते हो। इसमें क्या है, यहाँ से कट गया, नहीं तो इसने वही सी का मान निकाला है, सी का मान निकाला है। जब एम बराबर, इसने क्या यहाँ पक्का ये लगाया है कि जब आई यहाँ से जब एम बराबर 0 है तो आई बराबर कितना है, एम का 0 का साइन 0 0 है तो आई भी 0 है, तो यहाँ लिख दिया जब एम का मान 0 है तो आई का मान 0 है, तो ये सी का मान 0 हो गया। तो कुल मिला के ये आ जाएगा 10 inverse m/e। ये भी है, अब इस जो सवाल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को जो स्टेप लगता है वो ये लगता है कि इससे ये स्टेप कैसे है, जिसको कहते हैं आंशिक भिन्न, जो कि हमने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो ये आपको करना आना चाहिए आंशिक भिन्न, जैसे इस सेपरेट एल से हम ले गए को तो यहाँ से तो यहाँ को ही चला जाए, यहाँ से यहाँ आए उसमें बात है। तो ये फिर इसके बाद में फॉर्मूला लगा के इन्होंने किया है। तो इस तरीके से इन्होंने ये ध्यान रखना कि भाई इनिशियल कंडीशन लगा के सी के मान निकालना, फिर सी का मान वापस रखना, या फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगा के ये आंसर लेके
इसी तरीके से इस सवाल में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक हाफ एंगल में कैसे फॉर्मूले लगा के इन्होंने ये लेके आए हैं। उसने ये आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।